लो भैया, लेके आ गए आप लोगों के सामने यमहा की R15 M। और इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत बताएं हम, इसमें एक ही ठो कलर मिलता है भैया, इसके अलावा और कोनो कलर मिल भी नहीं करता। यमहा R15 बहुत महंगी भी है, कैसे 1,94,000 इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 2023 में, और ऑन रोड जाते जाते तो भैया ये 2,20,000 क्रॉस कर जाती है। अब देखते हैं कि भैया ये स्पेयरिंग सेगमेंट की बाइक है और इसमें का का खास चीज़ हमको मिलता है। देखिए, हम 3 मिनट के अंदर पूरा रिव्यू कंप्लीट करेंगे, हमारा वादा है। हम देश भर का जो टाइम नहीं लेते हैं आपका, ठीक है? तो बस 3 मिनट का समय अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले खासियत जानिए कि इसमें का का बढ़िया चीज मिलती है। इसमें जो मीटर कंसोल मिलता है, अरे कमाल का है दादा, एक नंबर मीटर कंसोल है। इसमें भैया अपने फोन को कनेक्ट करवा दोगे, एकदम समझ लो मोबाइल वाला सिस्टम है पूरा। इसका ब्राइटनेस कंट्रोल कर लो, इसमें वॉलपेपर सेट कर लो भाई, इसमें मोड सेट कर लो, और साथ साथ मतलब बहुत चीज है यार। इसको हम बनाए ना 10-15 मिनट की वीडियो इसी बन जाए, तो खैर छोड़िए, बस इतना समझिए कि एक नंबर का डिस्प्ले है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। फोन से कनेक्ट हो गया तो फोन पे मैसेज कॉल कुछ भी आएगा तो इस पे दिखेगा आराम से, तो चलती बाइक पे इसका भी मजा ले पाएंगे। अब इसको कंट्रोल कैसे करना है पता है? वो बगल में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे स्विच वगैरह दिए हैं, यहीं से सारा चीज कंट्रोल होगा। राइट हैंड साइड पे भी हैजर्ड स्विच का भी वो दिया गया है, जिससे चारों इंडिकेटर जलेंगे और बुझेंगे। चलिए, ये पहली चीज जो हमको इसमें अच्छी लगी। दूसरी चीज का है ना, इसमें स्लीपर क्लच मिलता है। छठवें गियर पे है, मान लीजिए पहले गियर पे आना है तो स्लीपर क्लच है, गच्चे से पहले गियर पे आ जाइए, गाड़ी झटका नहीं मारेगी ज्यादा। और स्लीपर क्लच के साथ साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है, क्विक शिफ्टर भी मिलता है, तो भैया मतलब कमाल की चीजें हैं इसमें। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, और का खास है इसमें, तो देखिए आते हैं इसके इंजन पे, हम बताते हैं। इंजन जो मिलता है ये लिक्विड कूल इंजन है, लिक्विड कूलिंग होने से ज्यादा हीटिंग वूटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 18.4 PS की पावर है और 14.2 Nm का टॉर्क है और 155 cc का इंजन है गुरु, तो नो डाउट भैया रिफाइंड इंजन है, बहुत मजा आएगा चलाने में। सस्पेंशन देखिए, मतलब सॉकर जो लगे हैं आगे है, USD फॉर्क, अप साइड डाउन सस्पेंशन यानी कि उल्टा सस्पेंशन लगा हुआ है, और इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पीछे लिंक टाइप का मोनोक्रॉस सस्पेंशन है। चलाने से पहले भैया थोड़ी आदत डाल लीजिएगा, कहे से इसमें जो राइडिंग पोस्चर है वो थोड़ा झुका हुआ है, तो कंधा वंधा हाथ वाथ पकड़ लेगा पहली बार चलाएंगे, लेकिन 2-4-10 दिन चलाएंगे तो मस्त मजा आ जाएगा। लेकिन जो पीछे वाली सीट है उस पर अगर अपने अपनी से छोटी गर्लफ्रेंड भी बैठेगी तो गच्चे से ऊपर पहुंच जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऊपर मतलब हमसे, हमारी हाइट से ऊपर पहुंच जाएगी, पीछे वाली सीट काफी ऊपर है भैया। और जो ब्रेक मिलता है, आगे 242 mm का डिस्क है और पीछे 220 mm का डिस्क है, डुअल ABS मिलता है, तो ब्रेक में भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे 100/80 का टायर, पीछे 140/70 का टायर है, और दोनों 17 इंच के टायर है, ट्यूबलेस है, पीछे वाला रेडियल ट्यूबलेस टायर है। सीट हाइट इसकी 815 mm की है, तो भैया लेने से पहले टेस्ट राइड जरूर ले लीजिएगा, कहे से ही सबके लिए नहीं है, हम पहले बता दे रहे हैं। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 170 mm का है। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें लगी है 11 लीटर की, तो 11 लीटर भरवा के लंबी दूरी तय कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे 3 मिनट से ऊपर पहुंच गया, तो भैया रिव्यू तो कंप्लीट हो गया है, अब हम बकैती कर रहे हैं थोड़ा इसके बारे में। तो देखिए, और अच्छी अच्छी चीज इसमें बता दें, इसमें डुअल हॉर्न मिलता है चाचा, एक बार दबाओगे इतना झम से आवाज मारेगा कि सामने वाला हट जाएगा, ठीक है? तो देखिए सब कुछ हम बता दिए इसके बारे में, कुछ बाकी वाकी नहीं है। वजन इसका बहुत सही है, 140 किलोग्राम सिर्फ वजन है, इतना तो पल्सर 125 सीसी का वजन है जितना इसका वजन है, तो कोई दिक्कत में लाइट वेट मान के चलिए, फेयरिंग सेगमेंट की तगड़ी बाइक है ये। लेने से पहले एक बार टेस्ट राइड ले लीजिएगा, कैसे बहुत लंबा पैसा इसमें जा रहा है। 2,20,000 से लेकर 2,30,000 तक बजट रखेंगे तभी ये ऑन रोड आपको मिलेगी, हम पहले बता दे रहे हैं। तो भैया ये सारा चीज हो गया कंप्लीट इसके बारे में, माइलेज वाइलेज सब बता दिए, 6 गियर मिलते हैं। और भी कोई सवाल हो तो फटाक से कमेंट करिए, उसमें हम आपको जो है बता देंगे कि और क्या दिक्कत परेशानी है, सारा चीज वहीं पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।